अभिषेक हमेशा मुनावर के लिए खड़ा होता है, उसका क्लियर होता है। मुनावर हमेशा ऐसी स्टेटमेंट देता है, जहां तक मुझे लगता है कि अंकिता को एक अलग से फेवर किया जाता है हर बार। अभिषेक ईशा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने देखा है कि वो एक चीज बोलता है कि चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मेरे लिए एक बराबर है, अगर कोई मुझे तू करके बात करेगा तो मैं भी तू करके बात करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कल वीकेंड का वार था, आपने देखी, कैसी लगी आपको? आपको क्या लगता है, अभिषेक को जस्टिस मिल गया है? काफी हद तक तो मिल गया, क्योंकि करण जौहर ने जो एक हक की उससे वो भी बहुत खुश हो गया और हम भी बहुत खुश हुए देख के। तो उसकी नीड थी उसको, और जिस तरीके से मतलब हर चीज में उसे पॉइंट आउट किया जा रहा था कि जब उसको वापस भी लाए तो बार बार एक बात बोली जा रही है कि तुझे हम लाए हम लाए। तो मुझे ये लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वो लेके आए हैं, लेके कौन आया वो पूरी दुनिया को पता है, जो बाहर है उनको सब पता है। और दूसरा, अभिषेक को हर बात पे पहले गाली दी जाती है, तो वो उसका एक शुरू से फंडा है कि वो एक चीज बोलता है कि चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मेरे लिए एक बराबर है, अगर कोई मुझे तू करके बात करेगा तो मैं भी तू करके बात करूंगा। तो इसी चीज भी उसके ज्यादा मुद्दे बन रहे हैं। अंकिता ने भी गाली दी, उस चीज का कोई बीच में आया ही नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि अंकिता को एक अलग से फेवर किया जाता है हर बार, कि उसकी चीज उस तरीके से दिखाई नहीं जाती। अंकिता ने काफी कुछ बोला उसको, कितनी गालियां दी, वो बार बार बोल भी रहा था क्यों क्यों लड़ रहे हो, क्यों पोक कर रहे हो, बट वो चीजें जो थी वो नहीं दिखाई गई। बट ये ठीक है फिर भी कि एक वो चीज हमें अच्छी लगी कि उनको बुला के हक किया गया, और एक उससे अभिषेक को थोड़ा सा तो मतलब वो थोड़ा बूस्ट हुआ होगा और थोड़ा उसको ये चीज अच्छी लगी होगी कि ठीक है एटलीस्ट मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि अंदर नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बाहर से जो फीडबैक मिलता है उसके थ्रू बंदा अपनी गेम चेंज कर देता है। बट अभिषेक की अच्छी चीज ये रही है कि वो शुरू से जैसे खेल रहा था वो वैसे ही खेलता रहा। कल हमने ये भी देखा कि ईशा की बहुत क्लास लगी, जिसपे अभिषेक खुश हो रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? मैं लिटरली मैं खुद यहाँ पे तालियां बजा रहा था, क्योंकि ये ईशा को जब एक बार सलमान सर ने और सबने थोड़ा फेवर किया, अच्छे से उसको बताया कि आप अच्छा खेल रहे हो, तब से ना वो इतनी ज्यादा मतलब ओवर हो गई थी कि उसको लगता था कि मैं सब अच्छा कर रही हूँ। और मुझे समर्थ के लिए भी बुरा लगता है, क्योंकि वो पहले खुद वो चीज शुरू करते हैं, फिर उसको समर्थ को उस चीज में डाल देते हैं, फिर बाद में आके बोलते हैं कि समर्थ तुमने ज्यादा कर दिया, तुमने ये कर दिया। तो ईशा, मैं सीरियसली मैं ईशा को कभी मिला नहीं, अभिषेक से बहुत सुना है ईशा के बारे में, पर जो ईशा अभिषेक बताता था ये उससे टोटली डिफरेंट है। वो ईशा ऐसी थी नहीं जो अभिषेक के साथ थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट उसको सुनाया गया, क्योंकि बहुत टाइम से ना उनको ये चीज लग रही थी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारा अच्छा ही लग रहा है। तो वो एक अच्छी चीज थी कि उसको एटलीस्ट पता तो चला कि वो क्या कर रहे हैं। ईशा एक इंसिडेंट को बार बार रिपीट कर रही है, उनका कहना है कि न्यू ईयर के काउंटडाउन पे अभिषेक ने उन्हें थप्पड़ मारा था, जिसपे अभिषेक ने ये कहा कि उस वक्त वो उससे बात कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मुझे इस चीज का पता नहीं है, मतलब मेरी कभी इस चीज के बारे में बात नहीं हुई, बट मैं इतना बोलता हूँ कि अभिषेक ईशा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने देखा है यहीं पे वो मेरे पास आता था उसके ब्रेकअप के, मतलब मेरे ख्याल से 6 महीने साल होने वाला था, उसके बाद भी वो बंदा यहाँ पे बैठ के मेरे को एक चीज बोलता था, पाजी वो वापस आ जाएगी पाजी वो, और वो लिटरली रोता था। मैं उसको, मैं और नेहा ने बहुत समझाया कि भाई तू मूव ऑन कर जा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको था कि मेरे को एक बार और ट्राई करना है, तो वो बहुत टाइम तक उसके पीछे लगा रहा। वो खुद को हर्ट कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो ईशा पे उसने हाथ उठाया होगा, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ कभी उसने ईशा के बारे में ना इतना सा भी कुछ गलत भी नहीं बोला, चाहे उसका ब्रेकअप भी हो गया था, इतने टाइम से उसको बहुत कुछ सुनने में भी आ रहा था ईशा का जो हमसे वो शेयर करता, बट उसने कभी ये नहीं बोला कि ईशा गलत है। और जब जो बंदा गलत नहीं बोल सकता, मुझे लगता है वो हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। बाकी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसने हाथ उठाया। मुनावर और अभिषेक की दोस्ती हम देख रहे हैं, उन दोनों का बॉन्ड हमको बिग बॉस में देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि मुनावर वैसी दोस्ती नहीं निभा रहे जैसे अभिषेक उनके साथ निभा रहे हैं? अभिषेक का जब लो टाइम था तो मुनावर ने उनका साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ थे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये चीज मैंने भी फील की थी, अभिषेक हमेशा मुनावर के लिए खड़ा होता है, उसका क्लियर होता है। मुनावर हमेशा ऐसी स्टेटमेंट देता है कि ना मैं इधर गलत हूँ ना मैं उधर गलत हूँ, कि अगर कोई भी बात हो तो उसमें ये होता है मुनावर सेफ खेलता है। हालांकि हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुनावर खुल के आए अभिषेक के लिए, बट वो कभी ऐसे नहीं आता।
उसने हमेशा उस चीज को, अभी आज तक मैं जितना मैंने बिग बॉस देखा है उसमें मैंने कभी ये नहीं देखा कि अभिषेक ने बोला हो कि जाओ मुनावर की ये गलती है, तुम इस पे ये एक्शन लो, बोलो। मुनावर हर बार कोई चीज हो जाए वो अभिषेक के अगेंस्ट ही दिखता है मेरे को। जब कोई दूसरा खड़ा है उसके आगे बोलेगा हाँ अगर उसने ये किया तो तुम फिर ये कर दो, तो वो मुनावर हमेशा वो सेफ गेम खेलता है, सामने नहीं बोलेगा बाद में बोलेगा। और अभी जब सलमान सर ने बोला मुनावर को कि अपना गेम खेलो, तो वो जो अभिषेक के साथ लड़ रहा था वो जबरदस्ती का लग रहा था, बहुत ज्यादा जबरदस्ती की दिखने के लिए वो कर रहे हैं। क्योंकि अभिषेक का, अभिषेक एक चीज क्लियर है, अभिषेक बाहर से वापिस अंदर आया उसकी गेम में वैसा कोई चेंज नहीं आया, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। लोगों ने बहुत दिखाया कि हाँ तू थप्पड़ मार के आई है, थप्पड़ मारना गलत है, उसमें कोई भी उस चीज को ये नहीं बोल रहा, बट जिस पॉइंट तक बिल्कुल उसको पोक कर दिया था वो रिएक्शन बनता ही था, और वो सलमान सर ने खुद ही बता दिया, तो उसके आगे तो अब सारा क्लियर ही हो गया कि क्या चीज है। ईशा को लेकर अभिषेक की जो हालत है वो सब उसके आप गवाह होंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनके उस फेस को, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे किस तरीके से अभिषेक उस फेस से गुजर रहेंगे, तो कैसे अभिषेक उस फेस से बाहर आए? अभिषेक तो आ ही नहीं पा रहा, हमने बहुत जोर लगाया है, मतलब सीरियसली हम लोग जब चंडीगढ़ में भी थे जिस टाइम पे शो भी चल रहा था और इनका ब्रेकअप का भी फेस चल रहा था, उस टाइम पे भी हम लोग इसको लेके जाते थे, हम लोग शिमला गए और काफी जगह, कि ये कहीं ना कहीं ईशा को दिमाग से निकाल दे। बट मुझे लगता है कि वो ना बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे, और मुझे अभी भी डाउट है कि वो बाहर आके ना, कि अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता वो ईशा को भूल पाएगा, बट मैं यही चाहता हूँ कि वो भूल जाए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। बट मुझे अभी भी लगता कि बाहर आके भी वो शायद यही बोलेगा कि हाँ नहीं यार ईशा सही है, ईशा ऐसे है, तो जितना मैं उसको जानता हूँ। आपको नहीं लगता कि अभिषेक को ईशा ईशा छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए एंड कुछ अपने लिए सोचना चाहिए, बिकॉज ईशा तो मूव ऑन हो चुकी है? मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, क्योंकि जितने भी अभिषेक के दोस्त हैं सब समझ गए हैं कि मैं पहले नहीं, कभी ईशा को मैं नहीं मिला था तो मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने शो से देखा है मैं सीरियसली बोलता हूँ कि ईशा अभिषेक के लिए नहीं है, दोनों बहुत अपोजिट हैं। ईशा सब बोलते हैं कि एज में वो छोटी है, बट मुझे नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा मेच्योर है, उसे पता है बात कैसे घुमानी है, दूसरों की बातों में कैसे मजे लेने हैं, तो वो सब दिखता है। तो अभिषेक दिल से चलने वाला बंदा है, वो ज्यादा दिमाग से नहीं खेलता, वो दिल जी से चलता है, वो जिसको मान लेता है उसको मान लेता है वो। डेफिनेटली। खानजादी और अभिषेक की जोड़ी आपको कैसे लगती है, क्योंकि अभिषेक बहुत बार खानजादी से बात करते हैं, उनके बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उससे? मेरे को अच्छा लगा, बट जितना मैं जानता हूँ कि कोई फ्यूचर नहीं है, वो सिर्फ एक गेम में मजाक मस्ती में था, मुझे नहीं लगता कि कुछ सीरियसली ऐसा था, और वो बस एक गेम का पार्ट था, तो उसी तरीके से मैं देखता हूँ उसको। टॉप टू में अभिषेक और मुनावर डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ट्रॉफी इन दोनों में से कौन उठाएगा? देखो दिल तो यही है कि अभिषेक लेके आएगा, बट अभी अभी क्या है, पहले मुझे हल्का सा लगता था कि मुनावर यहाँ है, अभिषेक हल्का नीचे है, बट अभी जो पीछे समर्थकों ने बुकिंग करके अभिषेक को यहाँ पे कर दिया है, तो अभी गेम वाइज भी देखू ना कि किसने गेम में कितना अपना इनपुट दिया है, कितना गेम में रखा है, उस हिसाब से मुझे अभी तो अभिषेक क्लियरली लग रहा है कि वही जीतेगा। और बाकी अभी कुछ दिन पड़े हैं, तो उस दिन में कुछ ऐसा ना हो जाए कि चीजें, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा हर हफ्ते चीजें ऊपर नीचे होती हैं, आज आप अच्छे हो कल बुरे, कल बुरे हो तो आज अच्छे, वो वाली चीज है, तो लास्ट तक क्या होता है वो देखते हैं, बट मैं चाहता यही हूँ कि अभिषेक जीत के आए। अगर अभिषेक ट्रॉफी लेके आते हैं जो आप दिल से चाहते हो, तो कैसा सेलिब्रेशन रहेगा, आपको कैसा लगेगा? वो तो उसी टाइम पे पता चलेगा कि क्या हंगामा होएगा, बट मैं दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस बंदे को जानता हूँ, ये नहीं कि मेरा दोस्त है तो मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, वो सही में दिल का बहुत अच्छा बंदा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं उसके और भी जो दोस्त हैं या जिनसे भी वो मिलता है, वो कभी वैसा माइंड में नहीं रखता, कि एक होता है ना कि किसी लालच से या किसी बेनिफिट के लिए हम दोस्ती करें, वो वैसा बंदा नहीं है, और मैं यही चाहूंगा वो जीत के आए, और सेलिब्रेशन तो फिर ग्रैंड वाला करेंगे जब वो जीत के आएगा। टॉप 5 को रैंकिंग कैसे देंगे कंटेस्टेंट को? नंबर 1 पे अभिषेक, सेकंड पे मुनावर, हाँ, थर्ड पे अंकिता, ओके, और फोर्थ पे मनारा, और फिफ्थ पे ईशा। ईशा अभी भी ईशा है हाँ, रैंकिंग? मतलब देखो ये तो चलो पर्सनल चीज होगी उन दोनों हाँ की, जी, उसके अलावा वो काफी स्ट्रांग है, जो जो सिचुएशंस आई जैसे उसने हैंडल की,
मुझे नहीं लगता कि कोई आसानी से कर पाएगा, बट उस चीज से वो काफी स्ट्रोंग है। बट ठीक है, दोनों के बीच की अगर लड़ाई देखते हैं तो वहां पे वो बहुत गलत, मुझे ऐसे लगता है अगर समर्थ और अभिषेक का बीच में ये ना होता तो समर्थ भी बहुत ऊपर होता, क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग है। मुझे भी अच्छा लग रहा था जब बीच में आया था, तो हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा था, बट फिर जब ईशा के चक्कर में लड़े हैं ना दोनों, वहां से सब खराब हुआ है। ओके रस्टी फास्टली, आप क्या अपील करेंगे ऑडियंस को, बिग बॉस के जो देख रहे ऑडियंस, अभिषेक के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि गाइस उसको सपोर्ट करो, जितना हो सकता है सपोर्ट करो, क्योंकि वो जिन सिचुएशन से निकला है और वहां गया है, वो जो उसके क्लोज है वही जानते हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत लोग वहां पे हिम्मत हार जाते हैं, वो बंदा निकल के गया है, उसने बहुत बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए उसकी फैमिली बहुत मैटर करती है। वो बंदा ऐसा है कि हर हफ्ते घर भाग जाता है, और वो अपने लिए कुछ करने के लिए इतने टाइम वो अपने घर वालों से दूर है, मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे रह लिया इतना टाइम। तो मैं यही बोलूंगा कि वो जितने एफर्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करो और आगे तक लेके जाओ, जीते, और ना कि सिर्फ बिग बॉस तक, उसके बाद भी लाइफ में उसको सपोर्ट करो, ताकि वो ईशा से भी बाहर आ सके और अपने काम पे ध्यान दे सके। ओके थैंक यू रस्टी फॉर गिविंग अस योर थैंक वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू।